एक भी अपराधी बचेगा नहीं, मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, वो खुद कहा करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, उसी राह पर चल रहे हैं उनके सुपुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय अखिलेश यादव जी। 5 लाख की राशि जो उपलब्ध हुई है इसको बढ़ाकर 25 लाख किया जाए। पीड़ित परिवार से मैं मिली हूँ माता जी से, और उनके दर्द को हमने समझा है कि किन परिस्थितियों में वो अब तक इस चीज को बच्ची छिपाती आ रही थी, डर के मारे, धमकी के मारे, लेकिन जब उसके पेट में असहनी दर्द हुआ, मेडिकल जांच आई तो पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है। और जैसे ही यह संज्ञान में आया, योगी बाबा जी ने अपने सुशासन को दिखाते हुए अपराधियों पर कार्रवाई किया, और अभी हम लोग पीड़ित परिवार से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला है, और माता जी को यह आश्वासन दिया है कि कहीं भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि प्रदेश में योगी बाबा है तो देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, और उनके राज में कोई भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप खुल के अपनी बात कहिए, अगर कहीं किसी ने कुकृत किया है तो उस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के स्वभाव में है कि वो अपराधियों के साथ खड़ी रहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, वो खुद कहा करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, उसी राह पर चल रहे हैं उनके सुपुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय अखिलेश यादव जी। रिपोर्ट दिल्ली में रखूंगा, हमारे साथ में मेरे नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र कश्यप जी, हमारी राज्यसभा की सांसद संगीता बलवंत विंद जी भी आई हैं, हम 3 सदस्यीय दल साथ में हैं। निश्चित रूप से हम घटना की तह तक गए हैं, घटना की रिपोर्टिंग दिल्ली में करेंगे, और मैं राज्यसभा के माध्यम से ऐसे सोच रखने वाले नेताओं को बेनकाब करने के लिए जरूर विषय लाऊंगा। परिजनों की जो मांग है, रमाकांत निषाद जी हमारे साथ में, परिजनों की मांग कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मेरी सरकार उनकी मांग बगैर मांगे पूरा करेगी। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और प्रतिनिधि मंडल पूरा मेरा मांग करेगा कि 5 लाख की राशि जो उपलब्ध हुई है इसको बढ़ाकर 25 लाख किया जाए, ऐसा मैं योगी जी से आग्रह करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान के निर्देश के अनुसार आज हम लोग इस घटना की जानकारी ले रहे हैं। पीड़िता बच्ची की माता से बात हुई है, घटना की विस्तृत जानकारी ली गई है, उनके दर्द को समझा गया है, अभी बच्ची से बात करना बाकी है, अधिकारियों से क्या कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी लेना बाकी है, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि मोहित खान और जो दूसरा अपराधी है ये राशिद, ये अपराधी आदतन है, ये अपराधी समाज की गरीब बच्चियों को के साथ हैरेसमेंट का काम करते हैं। योगी की सरकार, मोदी की सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है, और प्रतिनिधि मंडल पूरी घटना की जानकारी लेकर इसकी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को करेगा, हम प्रदेश की जनता को और बच्ची और बच्ची के परिवारजनों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मोदी और योगी की सरकार में ऐसे दुर्दांत अपराधियों को मिट्टी में मिलाने में हमारी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। अगर समाज की बच्चियों पर कुछ अपराधी ये सोचें कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्हें खुला मौका ये अपराध करने का मिलेगा, तो ऐसा वो गलतफहमी दिमाग में ना पाले। अरे समाजवादी पार्टी का नेता घोषित है और अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से उस अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएनए की मांग कर दी गई, जांच की मांग कर दी गई, अपराधियों के बचाव की रणनीति चल रही है। अरे समाजवादियों शर्म करो, ये 12 साल की निषाद बच्ची अबोध है, कितनी उम्र है उसकी, उसके साथ दुराचार हुआ है, वो प्रेग्नेंट है। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रधान साहब ने गंभीरता से लिया है और निश्चित करेंगे पूरी जांच करके कि और क्या क्या कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ की जानी है। कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं होगी जिनके खिलाफ ना करें, दुर्दांत अपराधियों को सजा दिलाकर ही दम लेंगे।